सरकार जी इधर देखिए, भाई साहब अभी आ गया, भाई साहब हाँ अभी आ गया। सरकार जी इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए मैडम, इधर देखिए मैडम प्लीज, लुक एट द कैमरा। हां बैठा लुक एट द एक एक मिठाई एक मिनट रुको भैया, आए खिलाड़ी को मालूम है ना बाद में क्या करना होता है। एक्चुअली दैट इज अ रिचुअल। लीजिए लीजिए काट रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरीश कहाँ है? हरीश का ऐसे नहीं होता है। सॉरी। तिरंगा है मुझे तूने किस जोग में, सरतपा में हूँ डूबी तेरे रोग में। ऐसे लगे नहीं मुझे, उधर देखो ना उससे में लगे, ऐसे लगे नहीं भाई। खैर आपके हाँ। आपके रोग में लगे नहीं, नहीं मुझे नहीं। थैंक यू सो मच। वही रुकिए बरका जी, वही हुसैन जी के बारे में ये है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, और ये था कि उनका और मेरा एक पुराना रिश्ता ये था कि जब मैं उनको पहली बार एक बैंक में मिली थी, उस बैंक का नाम है समता बैंक, और ये था कि उन्होंने मुझे उसी वक्त एक पेंटिंग बना के दे दी थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये वादा रहा कि इसका मुझे आपको वो वापस देना है कुछ ना कुछ, तो बट नेचुरल की अगर आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई है, तो उन्होंने मुझे कहा फिर एक काम करो मेरे लिए एक फिल्म बना दो। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं।
तो मैंने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके लिए फिल्म बनाऊंगी। तो बस ठीक है, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती जब तक वो जिंदा थे मेरी दोस्ती थी उनके साथ, और हमेशा मुझसे बात करते थे। जब वो इंडिया से बाहर भी चले गए और मैं उनको कहती थी कि मुझे बिल्कुल आपका वादा याद है, मैं ज़रूर फिल्म बनाऊंगी, लेकिन अब ये है कि वो इस दुनिया में है नहीं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जो हम सब मिलके उनको दे रहे हैं, उनके दोस्त जो हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे कि रजा साहब हैं, किशन खन्ना हैं, राम कुमार हैं, ये सब के सब जो हैं उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और ये एक जर्नी है उनके दोस्तों की, इसलिए हमने ये नाम रखा है माई फ्रेंड हुसैन। ये सब दोस्त हैं जो उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो हुसैन साहब की लाइफ में काफी कुछ कंट्रोवर्सल भी रहा है जी, कुछ बातें भी रही है, तो वो सब फिल्मों में पिरो जाएगी। आप लोग देखिए, थोड़ा बहुत है भी और नहीं भी है। थोड़ा बहुत मतलब कहीं है, और वो भी उनके दोस्त ही कह रहे हैं, उनके दोस्तों ने बताया है जी। जो उन्होंने बताया वो हमने पिक्चराइज किया है। यहाँ तक ये भी सुना था कि उनको देश से निकाल भी दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई थी जी, उस वजह से भगवान की तस्वीरें ओपन बनाई जी। तो सब भी फिल्मों में पिरोया जाएगा, पूरे बायोग्राफी टाइप्स? नहीं, ये तो बायोग्राफी नहीं, ये सिर्फ दोस्तों की कहानी है। दोस्त जो है जो अपने दोस्तों के बारे में बता रहे, अपने दोस्त के बारे में बता रहे, ये बायोग्राफी नहीं है, ये इंसिडेंट्स है। इंसिडेंट्स कितना इसमें सच होगा, कितना? पूरा सच, और सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं। मान लीजिए दोस्तों की जुबानी कहानी दर्शाई जाएगी जी, दोस्तों की जुबानी। कई बार दोस्त कुछ क्यों झूठ बोलेंगे, कोई 90 और नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई 92 के हैं, कोई 90 के हैं, क्यों झूठ बोलेंगे? वो झूठ की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एक मिर्ची मसाला लगा के बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली होता ही ऐसा नहीं, इंडस्ट्री में होता है लेकिन आर्ट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, कलाकार है, आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, उनकी दुनिया ही अलग है। तो अच्छा, जैसे कि हमारे दोस्त ने बात कही जो पेंटिंग वो सारी चीजें तो दिखाई नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ बोली जरूर जाएंगी, बताई जरूर जाएंगी कि ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब कि ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जो अलग चाहते हैं कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो, मैं बोलना नहीं चाहती। अलग किस्म के लोग हैं, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें ये ठीक नहीं लगा, ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना नजरिया है, बस। वैसे हुसैन साहब ने भी फिल्में प्रोड्यूस की थी जी, तो उस बात को समाज करने की माधुरी जी को लेके उन्होंने एक फिल्म बनाई, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई उन्होंने, बहुत अच्छी, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है। तो वो फिल्में भी कुछ इसमें कुछ जिक्र होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो कौन है ये हुसैन का किरदार, कौन करेंगे? एक लड़का है बहुत, मतलब हम लोगों ने 100 ऑडिशन किए, तब कहीं जाके हमें एक लड़का मिला और ये हुसैन के किरदार कर रहे हैं। और हमने थोड़ा उनको अभी थोड़ा उसमें रखा है, पर्दे में रखा है, छुपा के रखा है। आज की बात कर दो, आज क्या हुआ, सॉन्ग रिकॉर्डिंग? हाँ, आज हमने गाना रिकॉर्ड किया, जो हम जाके निजामुद्दीन में हम जाके इसको पिक्चराइज करेंगे। तो कब तक क्या प्लान है आपके, कब तक क्या? अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ये फिल्म रिलीज हो जाएगी अगले महीने। कितने गाने हैं? एक तो ये गाना, एक किस तरह के होंगे? एक ही गाना है, सूफी गाना है, सिर्फ एक जी। थैंक यू वेरी मच। और कुछ निकाला है नहीं हम भाई, रूहानियत से जुड़ा हुआ आज गाना है, सुन के धमक अलग ही कानों में सुनाई दे रही है। हाँ, ये मौला का करम है और बरखा जी का साथ है, इतनी अच्छी कंपोजिंग और इतना सुरीला गाना, और जैसे ये फिल्म है माय फ्रेंड हुसैन, उसमें जो ये सॉन्ग आया है पूरा रूहानियत से भरा हुआ गीत आप लोगों ने सुना, और इंशाल्लाह सुन। आपको जब पता चला कि एक फिल्म आई है माय फ्रेंड हुसैन जो एमए हुसैन जी पे आधारित है जी जी, तो आपने फर्स्ट टाइम सुना तो आपका रिएक्शन क्या था, क्या आपके माइंड में आया हुसैन जी की फिल्म, ऐसा कुछ हुआ, ताजुब हुआ? मैं भी इस शेर के हिस्सा बन गया हूँ, मेरी खुशनसीबी है, कहाँ एम एफ हुसैन साहब और कहाँ शबाब साबरी और ये सब, जो ये मुझे मौका नसीब हुआ बरखा जी के जरिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि माय फ्रेंड हुसैन का मैं भी एक हिस्सा बना हूँ। तो कुछ पूछा नहीं आपने क्या फिल्म होगी, उनकी बायोग्राफी है? नहीं, उसमें तो देखिए आई एम सिंगर, मैं क्या पूछूंगा किसी से कि कोई मैं कोई डायरेक्शन दे रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे उन्होंने गाने के लिए बुलाया, मैंने वो गाना सुना, क्या रिएक्शन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया
के आस्थाने पे ये गाना पिक्चराइजेशन हो रहा है, मैंने वहाँ के सुना, फिर मैं उधर ही मलंग हो गया और मलंग होके गाना गा दिया, खत्म। एक चित्रकार की सवाल उम्र को आप अपनी वॉइस देने जा रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी है, ये ये, ये, ये हुई ना बात। हाँ, मेरी खुशनसीबी, मैंने जब ये हम लोगों ने एक सेटिंग हुई तो जब के भाई माई फ्रेंड हुसैन, एम एफ हुसैन साहब के लिए ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो रात भर मैं सो नहीं पाया कि यार मेरे नसीब में ये दिन भी है, ये खुशनसीब मेरे लिए मैसर हुई। शबाब भाई, अब जो शबाब साबरी दिखेंगे जी फ्रेंड हुसैन में, जो आवाज आएगी जी जी, वो क्या लकब लेके आएगी और क्या पहचान लेके आएगी शबाब साबरी की? ये मेरे बुजुर्गों का सदका है, मेरे वालिद मोहतरम जो हिंदुस्तान के ओरिजिन साबरी ब्रदर्स, ये उन्हीं की रूहानियत से अटैच होता हुआ ये गाना आप जब आप सुनेंगे तो वाकई सलूट करेंगे कि सूफी ये होता है जो आजकल सुनने को मिल रहा है, ये सब अपनी जगह एक अलग है। आप लोगों ने मेरे गाने और भी सुने, वो अपनी जगह है, मगर जो इस गाने में बात है वो आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा लुत्फ उठाएंगे।